हम लोग जी आपका भाई कॉमेडी की 20 एपिसोड लेकर आप खेत में फिर से हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाओ गाइस, 70 साल में पहली बार हम व्हाइट वॉश हो चुके हैं यार। लेकिन इसमें भी हमारी गलती नहीं है, इंग्लैंड वालों की गलती है। क्योंकि हमें कम से कम 5 टेस्ट खेलने चाहिए, इंग्लिश वालों की बेईमानी है यार। नहीं, हमें कम से कम भी 5 टेस्ट खेलने चाहिए थे, क्योंकि 2-3 टेस्ट तो हम ऐसे ही वार्म अप में गुजार रहे थे। क्योंकि हम टीम ही ऐसी है, हम बेस्ट टीम है दुनिया की, और ये इंग्लैंड वालों की 70 साल में पहली दफ़ा हमें व्हाइट वॉश किया। पता है क्यों? क्योंकि 5 टेस्ट मैच होने चाहिए, क्योंकि 2-3 तो हम ऐसे अपनी अपनी कंडीशंस को परछाने में लगा देते थे, परछाने में लगा देते थे। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ कि हमारी टीम की सब चीज़ें सही है, सिवाय बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बस यही चीज़ें खराब है, बाकी सब चीज़ें सही है। वहाँ की टेंशन नहीं लेनी, और पिच इनक्यूलेटर वगैरह भी सही जा रहे हैं यार। मैं आपको कितनी बार पहले ही बता चुका, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ जहाँ पे हर ऊंचे से ऊंची जगह पे भी जाहिल लोगों को बिठाया होता है ओहदों के ऊपर, जो कि आके हमारे मुल्क जो कि छोटे बड़े फैसले दोनों को बराबर ही ले रहे होते हैं। मैंने बिल्कुल यानी ऐसे लोगों को बिठाया होता है जो ना अहल होते हैं, यानी अहल नहीं होते बिठाने के पास। इसी वजह से तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है और गोरे हम बिछाते जा रहे हैं। बस यार यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम ये अपनी नाअहली की वजह से हार रहे हैं। जिस टीम के मैं आपके और शेर सुनाता हूँ, जिस टीम के बॉलिंग लीडर वकार, वसीम और शुएब हो, आज उस टीम का बॉलिंग लीडर वहीम अशरफ है। आए हाय हाय, एक थम्स अप तो बनता है इस बात पे। और हमारे टीम में सिर्फ एक ही बॉलर खेल रहा है, वो भी डेब्यूटेंट मोहम्मद अबरार अहमद। तो उसके अलावा हमारी टीम में कोई बॉलर नहीं खेला, यानी उसकी भी परफॉर्मेंस डोमिनेट ही नहीं किसी ने, ना किसी की परफॉर्मेंस है ये पूरे मैच के अंदर। तो यार मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पहली इनिंग्स में फिर भी हम सही खेल गए, दूसरी इनिंग्स में आके हम बिल्कुल लेट गए हैं, बिल्कुल यानी आके लेट ही हैं। मारने हमने बाबर आजम जब तक खड़ा तो लग रहा था कि अच्छा स्कोर जाया था। मैंने पहले कह दिया था यार ईजी ना लो अपने कुछ दोस्तों को, ईजी ना लो, हम हार सकते हैं। लेकिन हार गए, वैसे यही था यार, अगर बाबर आजम हमारी टीम का ऐसा यानी ऊपर धोती पहनी हुई है, नीचे सब चीज़ें खुला हुआ है, बस यही था हमारी टीम का। यार बाबर आजम के ऊपर बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आप कप्तानी से हट जाओ और टेस्ट कैप्टनसी आप लायक ही नहीं हो, ये है वो है। तो यार मैं भी इनको यही कहता हूँ कि आप हट जाओ, आप चुपचाप ब्रांड इंडोर्समेंट करो, अपने पैसे बनाओ, बैटिंग पे फोकस करो, चुप करके खेलते रहो यार, बेस्ट बैट्समैन हो दुनिया के। लेकिन अब ये असल जो सवाल उठते हैं कि उसके बाद बनेगा कौन कैप्टन, कोई अहल भी तो नहीं है यार। आप ये सोचो कि बाबर आजम के बाद कैप्टन बनेगा कौन? बाबर आजम हट जाते वो दुनिया का वो खेलता रहेगा, लेकिन तो दूसरा यार, अगर आपको बेस्ट बैट्समैन होने के बाद भी आप इतनी चीज़ें फेस कर रहे हो तो आपको चाहिए आप हट जाओ, बस फिर आके देख लेंगे कि आगे क्या होता है। जो लोग आके कह रहे होते ना, ये उनकी भी हमने दौर में देखा हुआ है कि उनकी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है। उनके दुबई शारजा में 50% रिकॉर्ड, ज़्यादा से उनके रिकॉर्ड वहीं पर है। और ये जो सबसे ज़्यादा मैं जो बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं ना, ये उनके मुँह पर तमाचा है। बाबर आजम ने इस 350 से ज़्यादा रन बनाए हैं इसी टेस्ट में सिर्फ, और उसकी 50 से ऊपर 60 की एवरेज है इन्हीं सीरीज़ में। तो यार वो आपको और क्या करके दे सकता है, यही कुछ होता है एक बैट्समैन की तरफ से बस। और आपको बाकी पूरी टीम एफर्ट डालनी पड़ती है। अब वो टीम जब आपकी कोई ऐसी यानी कि लोग ऐसे उठ के टैलेंट बैठा होगा लिस्ट में, और आपके ऐसे खिलाड़ी उठ फर्स्ट क्लास में बैठे होंगे लड़के, और आपके ऐसे खिलाड़ी उठ के आ जाएंगे, तो ऐसे ही होगा, ऐसी टीम ही बनेगी आपकी। तो मेरी आप सबसे रमीज राजा से यही गुजारिश है कि टीम को जेल करें, कोई टीम को T20 और ODI हमारी जेल्ड टीम है, लेकिन टेस्ट की टीम हमारी बिल्कुल फारिग है। और दूसरी तरफ यार हमारे अजहर अली जो भाई हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट दे दिया है। तो यार आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 8000 रन बनाए हैं, जो कि उन्होंने उस टाइम बनाए जब पाकिस्तान टीम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार थी। तो यार बेस्ट ऑफ लक, वरना यार हमारे मुल्क में तो ये रिवाज है कि जब तक उनको निकाला ना जाए तब तक रिटायरमेंट कोई नहीं देता। फिर वही होता है कि उनको निकालना पड़ता है और बाद में उनकी शिकायत हमें सही तरह से वेल ऑफ नहीं किया गया। तो आपके लिए थम्स अप, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिटायरमेंट दी और आपको वेल ऑफ भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। इससे पहले मिसबाह और वकार भी ऐसे कर चुके हैं, तो कुछ कुछ क्रिकेटर्स ऐसे करते हैं जिनको फिर बाद में थम्स अप, आपके लिए थम्स अप है। और उसके बाद यार जो है ना, क्या बहुत सारे ना मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि ये लाजमी कहना कि कराची में के टेस्ट में यार बंदे ही नहीं थे बिल्कुल। चलो मुल्तान, रावलपिंडी का फिर भी बंदा था, लेकिन कराची में बिल्कुल नहीं था। तो फिर मुझे बाद में मैंने कुछ वीडियोज़ देखा, मुझे पता चला कि यार आपने जहाँ पे पार्किंग है ना, वहाँ सिविक सेंटर है कोई, वहाँ पे पार्किंग है, और वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है आपका जो स्टेडियम होता है,
वहाँ पे भी 10-12 उन्होंने उस रास्ते के दरमियान में उन्होंने चक और एरिया सारा सराउंडिंग का उन्होंने खोद मारा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसी सराउंडिंग के एरिया को उन्होंने जब खोद दिया और वहाँ सारे बूथ बन गए हैं यार सर, यानी NIC पासपोर्ट, यानी जब आप पासपोर्ट यानी जब आप जहाज में चढ़ने लगे हो इतनी यार सिक्योरिटी चेकिंग है। मैंने एक वीडियो देखी है उसमें लड़का QR कौन यानी वो QR वाली उन्होंने टिकटें नहीं हुई लेकिन वो है ही नहीं उधर, वो कहते प्रिंट निकलवा गया हो बेचारे, वो कहते यहाँ से निकलवा गया हो। तो यार इतनी जलालत के बाद कौन आता है यार, और जो शादियों वाली कुर्सियाँ लगा दी यार कुर्सियों तो कोई अच्छा, मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ आपको कुर्सियों वाला मसला थोड़ा हल करो। और उम्मीद हूँ कि अगले टेस्ट मैच में शायद सरफराज को चांस दे दिया जाए रिजवान को रेस्ट करा के, फिर सिर्फ इसी तौर पे कि वो रेस्ट के बाद अच्छा आगे खेले, इस तौर पे नहीं कि उसको पक्का पक्का बिठा दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है अगर किसी को बिठा दिया तो वो पक्का पक्का बैठा ही रहता है, जैसे एक दुल्हन को घर बिठा दिया तो वो बैठी रहती है बेचारी। और यार उसके बाद जो हमने बाबर आजम किया उसके बाद 2-3 विकेट तो हमने ऐसे जहेज में दे दिए, जाओ ले जाओ ये तुम्हें जहेज है फ्री में बंट रही होती है। और यार उसके बाद जो है हम बहुत ही ज़्यादा ये इस टेस्ट में हम बहुत ज़्यादा पकड़े हुए नज़र आए, सर्कस में कोई नाचती हुई बिल्ली नहीं होती वैसे हम लग रहे थे बिल्कुल, वो हमें डोमिनेट करते रह गए, हमने बस 2-3 करतब दिखाए और चुप करके चलते बने चल भाई जा। और यार न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है तो उनको कुछ अच्छा वेलकम कर देना। और यार जब मेरी बात सुनो ना यार, जब अपने मुल्क में आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको कराची आप देख लें मुल्तान फिर भी समझ आता है, यहाँ पे भी एरिया शेरिया बंद कर देते हैं, लेकिन आपको चाहिए आप वहाँ पे कोई ग्राउंड बनाओ, वहाँ भी कुर्सियाँ ऐसी होती है। तो बस यार मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा निज़ाम अच्छा करो, PCB से मेरी यही गुजारिश है। और यार दूसरी तरफ हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ चल रही थी और उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल ग्रीन पिच और 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म। यार ऐसी से यही गुजारिश है कि इनको भी कोई डीमेरिट पॉइंट दे दो ना यार, दे दो इनको भी दे दो। यहाँ पे आप पिंडी जैसे हमारे प्यारे से ग्राउंड को आप दे सकते हो, वैसे हमारे जो लोग हैं ना वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई पॉइंट मिला तो ये अच्छी बात है, ये नहीं पता कि डीमेरिट पॉइंट मिला है। और यार रावलपिंडी की आप वो सॉरी अपना क्या है ब्रिस्बेन की पिच को भी यार दे दो यार, उन्होंने बैटिंग बैटर से भी कुछ सोचे, वो तो बॉलर डोमिनेट करते रह गए 5 हर सेशन में, 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म। ये दूसरा टेस्ट मैच है तो 2 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। तो यार इसके बाद जो है लोगों ने फिर मेरे बब्बू के साथ बहुत गलत हरकत कर दिया। यार देखो यार इतने लंबे लड़के के साथ आपने कैसा लड़का खड़ा कर दिया और हमारे बब्बू के साथ कैसा, यार ये हरकत नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं तुझे बताऊँगा BBL भी चल रहा है जिसके अंदर एक मुकाबले के अंदर 15 के ऊपर पूरी टीम बुक सिडनी थंडर्स। तो आप सबको मुबारकबाद कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो थम्स अप भाई वाह। अच्छा जी उसके बाद जो है इंडिया और इंग्लैंड का भी, इंडिया और बांग्लादेश का भी कल आया तो वेल ऑफ, और परसों शायद इंडिया का IPL का ड्राफ्ट भी है और PSL का ड्राफ्ट हो चुका है जिसके अंदर हमारे जो कामी भाई हैं, हमारे शीजू भाई हैं और उसके बाद हमारे हिफ्जू भाई हैं, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। और हमारे कामी भाई जिन्होंने तो वो भी किया था अपना यार क्या अपना ट्वीट के मैं हाजिर हूँ मुझे कौन लेगा, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया, वो बैठे रह गए। अच्छा जी उसके बाद जो है बहुत अच्छे अच्छे बाबर आजम को शायद कप्तान भी बनाते हैं इमाद वसीम को कराची किंग्स का, बाबर आजम के कुछ अच्छी ब्रांड होगी इंडोर्समेंट के भाई, वो कुछ अच्छे ब्रांड लेंगे यार, पेशावर ज़ल्मी बहुत ही कमाल की बहुत फ्रेंचाइज है, तो वरना तो वो रिपोर्टर्स के दरमियान में ही खेलता रहता था बेचारा। उसके बाद IPL का भी ड्राफ्ट होने वाला है तो बड़े नाम सामने आने वाले हैं। उसके बाद यार मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आइसलैंड की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान को ट्रोल कर रही है बैठी के आप हमारे साथ खेल लो, हमें बुला लो, हम आपसे 3-0 से हार भी जाएंगे, और वो 7 के रन रेट से खेल रहे थे, हम 0.7 के रन रेट से खेलोगे भाई, तो यार इन्हीं को बुला लो यार, अपना रिकॉर्ड तो सेट करते रहो रिकॉर्ड, इन्हीं को बुलाते रहो, इन्हीं को बस चुप करके बुला लो, इनको चुप करके बुला लो। तो वेल ऑफ यार इनको भी बुला लो यार, वैसे रिकॉर्ड सही बन जाएगा, अगर इन्हीं से हम टेस्ट खेलते रह गए तो फिर तो हम WTC में हमारी जगह पक्की है, ये बात भी सही है। तो यार बस आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो को मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी दिल में बाय गोदाम में याद रखना, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस पत्थर के नीचे क्या पसीते जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपको ये बात बता दूं कि हम वाइट वॉश हो चुके थे, चलो वो तो होना तो हो गया, लेकिन सबसे पहले हम 1999 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारे, लेकिन उसके बाद जो है ना हम उन पे 10 साल उनको हमने टाइम दे दिया, यानी उनको हमने टाइम दे दिया, हम अपनी टीम सेट नहीं करनी। उसके बाद 2007 में हम फाइनल हारे इंडिया से, उसके बाद हमने उनको ड्रीम शुरू कर दिया, उनका अच्छा वक्त शुरू हो गया 1999 के बाद ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद 2007 के बाद इंडिया का, उसके बाद जो शुरू हुआ ना वो होगा आप इंग्लैंड का, क्योंकि हम फाइनल से आ चुके T20 वर्ल्ड कप का, और अब उनका अच्छा वक्त शुरू, अब एरा ऑफ इंग्लैंड शुरू होने वाला है। तो हम अपनी टीम को तो कुछ कर नहीं सकते, उन दूसरों की टीम को हम जितवाई जा रहे हैं, तो
मेरी यही गुजारिश है कि अपनी टीम को बेस्ट बनाओ और बाकी गुड लक। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ कि इंग्लैंड की टीम में तो हम ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन असल जो हम खेलते हैं ना वहाँ इनके लेजेंड्स के साथ खेलते, क्योंकि इनके साथ तो हम ऐसे खेलते हैं कि बार बार आते रहे, हम इनको जिताते रहे। आप देखें हमारे बॉलर जो है वो कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, जाके देखें अभी। Master class by Nasser on how to play the short ball. I mean, this is just quite incredible, Baz. Yeah, he's been nicknamed Sir Don, and he's been doing master classes every day. Bye bye.